पहले तो आप हजरा कर खड़े हो तो सफों के दरमियान फासला, तो शैतान क्या करता है, जगह खाली देखकर क्या करता है जो है ना वहां आ जाता है, आकर क्या करता है वसवसे डालना शुरू करता है, वो बोखा देखता रहता है। एक लतीफा है, एक आदमी जाकर रहा था, एक आदमी गौर से देख रहा था, क्या वही वैसा देख रहा हूँ बोखा देखो वो शैतान की वजह से, क्या देख रहा हूँ यहाँ पे तो बोखा हो रहा था, क्या देख रहा हूँ और दूसरी अबू दाऊद की हदीस में सरकार ने फरमाया कि सफों में मिल मिलकर खड़े हो जाओ, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाओ, दरमियान में खलल मत रखो, जगह जो है ना मत रखो, और मिल मिलकर खड़े हो रहे हैं इस बात का लिहाज रखो कि बाजू वाले भाई को तकलीफ ना होने पाए। मिल मिलकर खड़े हो रहे हैं ऐसा घुस जा रहे हैं कि बाजू वाले को तकलीफ हो रही, सुरबुश भी सही करने आ रही, मिलकर खड़े हो, मिलकर खड़े होने का तरीका क्या है, कांधे से कांधा मिला हुआ हो उसमें जगह रहो, और जो है ना बाजू वाले की सहूलत का भी इमाम के पीछे खड़े होंगे तो एक सब को, दो सब को, चार सब को, पांच सब को, जितनी भी सफे हो उनके खड़े होने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या है एड़ियां सबकी बराबर रखे, यानी जानिमास का जो आखिरी किनारा होता है उस पर एड़ियां क्या करें मालूम है बराबर रखे, सबकी एड़ियां सीधी हो, क्योंकि पंजों के हिसाब से आप सबको सीधी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजे किसी के बड़े होते हैं किसी के छोटे होते हैं, तो याद अगर बाजू वाले का पंजा बड़ा है आपका छोटा है पंजे को बराबर करेंगे तो आप आगे निकल जाते हैं, तो इसीलिए तो एड़ियां हर एक की एक होती है, एड़ियां हर एक की क्या होती है बराबर होती है, तो इसीलिए क्या करें आप एड़ियों के हिसाब से सफे कायम करें कि जानिमाज की आखिरी किनारे पर सबकी एड़ियां रखिए, जानिमाज का आखिरी किनारा हो या जो भी निशान लगाया है, आजकल तो बेचारे लोग जो है ना इसमें चांदियों में जो है वो निशान भी लगा रहे हैं पट्टी, और पट्टी के आखिरी कोने पर दूसरे कोने पर जो है ना लास्ट कोने पर आप अपनी एड़ियां रखें, तो एड़ियों के जरिए से सफों को सीधा करें, फिर दूसरा सफे बिल्कुल सीधी हो, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो, और जो है ना दरमियान में कोई जगह ना रखे और कोई आगे पीछे ना हो, एड़िया अगर बराबर है तो कोई आगे पीछे नहीं होता, हाँ कुदरती तौर पर कोई पेट किसी का बड़ा है वो एक अलग बात है, वो कुदरती तौर पर उसमें आपका कोई हुजूर नहीं है, आप अपने तौर पर क्या कीजिए मालूम है जो है ना आगे मत बढ़िए, अपने तौर पर मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, तो जो है ना ये सफों का ये एड़ियों के साथ सफों को सीधी कीजिए, कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रखिए रहिए खड़ी हुई है, और दूसरों की तकलीफ का भी लिहाज रखिए, और दरमियान में कोई जगह मत रखिए, पहली सफों को मुकम्मल कीजिए, जब पहली सफ मुकम्मल हो जाए तो पहली सफ का आगाज कैसे करेंगे, पहले इमाम के पीछे बिल्कुल एक आदमी खड़ेगा, उसके बाद सीधी जाने में काम है, उसके बाद बाई जाने का आएगा, फिर उसके बाद सीधी जाने, फिर बाई जाने, फिर सीधी जाने, फिर बाई जाने, इस तरह क्या करेंगे सफे खाए होंगे, जब पहली सफ मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरी सफ में भी क्या करें मालूम है, बिल्कुल इमाम के पीछे एक आदमी खड़ा कर जाए, फिर उसके बाद सीधी जानी है बाई जानी है सीधी जानी है, अब इसी सफे पूरी कितनी भी हो इस तरह कर दी जाए, लेकिन हमारे पास बहुत जगह मैंने देखा है कि पहली सफ मुकम्मल होते हैं जो है एक तो क्या करते हैं पहली सफ मुकम्मल नहीं भी होती वाला हो, दूसरी सफ क्या करते हैं शामिल शुरू कर देते हैं, नहीं करना है वैसा, पहली सफ जब तक मुकम्मल ना हो दूसरी सफ शुरुआत करना ही नहीं है दूसरी सफ की, बहुत से लोगों का ख्याल क्या होता है अगर मैं पहली सफ में खड़े हो गया तो दूसरी सफ में सलाम लेने के बाद या तो कहीं भी नमाज अदा करने वाले खड़े हो जाते हैं या सुन्नतें पढ़ने के लिए लोग खड़े जाते हैं, मेरे को बाहर भागना मुश्किल हो जाता, मुझे जाना क्या होता मुश्किल होता, ज्यादा पीछे से पीछे चले जाओ, आगे पीछे की सफ खड़े होते जाने में आसानी होती ना जी, क्योंकि वो जितने भी लोग हर एक मसा नहीं होता जितने भी लोग होते हैं जो भागने वाले होते हैं वो सुन्नत पढ़ने वाले नहीं रहते, बल्कि सुन्नत पढ़ने वाले भी नहीं रहते, सुन्नतों तक बर्दाश्त करने वाले भी नहीं रहते, अगर इतफाक से कोई ठहर गया तो उसकी नमाज के आगे से गुजर भी जाते हैं, तो अब ठहरते ही पहले इस तरह कि आसानी से भागने के लिए क्या मालूम है
सहूलत हो। जैसे दावत के नाम पर वो दरवाजा जो बैठने का डेली हाथ का दरवाजा रहता है उसके हरी कुर्सी डालने पड़ती है, तो आते बुलाते रहते जाने आते जल्दी, तो बाजू में खड़े रहते बुलाते जल्दी अंदर घुस जाने आता। तो ये इस तरह का हो गया मसला हो। तो मेरे यहाँ तो वो जो जाने वाले हजरात होते हैं वो सामने सपने जगह रखते हुए भी पीछे की सपने क्या होते हैं खड़े होते हैं। तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग बिना उज्र कोताही की वजह से सफों से पीछे होते चले जाते हैं अल्लाह रहमत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से भी उनको पीछा करता चला जाता है, और जो लोग सफों में मिल मिल कर खड़े होते हैं सफों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उनको मिला देते हैं। तो सफों को मिलाने वाले रहमत से मिलने वाले होते हैं, सफों से पीछे जाने वाले वो अल्लाह की रहमत से पीछे होते चले जाते हैं दूर होते हुए। जाहिर सी बात है ना कि पहले सब में जो मिल रही थी अहमियत जो बताया मैं अभी अहादीस में जो मैंने तस्करा शुरू में किया है उसके हिसाब से देखिए आप जैसे सफे पीछे चले जाते चलेगी वो रहमत का मामला और जो है ना फजीलत का मामला और अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की मगफिरत का मामला जो है ना पीछे एक एक दर्जे होता चला जाए, यहाँ तीन था तो वहाँ एक होता चला जाए। तो अलगज अजीजा ने होता तो इस तरह पीछे की सामने की सब पहले मुकम्मल करें उसके बाद जो है ना पीछे की सब पूरी कर शुरू करें। अगर कोई लोग पीछे की सब मुकम्मल कर देते हैं सामने की सब में जगह अभी बाकी है तो आने वाले को चाहिए कि वो सामने की सब में आ जाए, अगरचे के आने सामने की सब में आने के लिए उसको पीछे की सब वालों की नमाजियों के आगे से गुजरना क्यों ना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर ये सब आदमी है सामने की सब आदमी है पीछे की सब जो है ना या तो मुकम्मल होगी या तो वो भी आधी होगी। अगर आधी है तो वो थोड़ा ज्यादा है वहां तक, ये आधी है वो पौन है पीछे की सब सामने की सब आधी है पीछे की सब क्या है पौन है समझिए। तो अगर आप आने वाला सामने से आदमी आ रहा है जब वो सामने की सब में शामिल होना चाहता है तो पीछे की सब वाली तकरीबन पौ सबसे उसे क्या करना है नमाजियों के सामने से क्या करना पड़ता है गुजरना पड़ता है। तो गुजर जाए गुजरे कोई गुनाह नहीं सामने की सब मुकम्मल करे सामने की सब मुकम्मल बल्कि फिकह के यहां तक भी अहकाम है फिकह के कि अगर पीछे की सब पूरी कंप्लीट भी हो गई सामने की सब में जगह है तो पीछे से आने वाला उस सबको चीरते हुए आकर सामने की सब मुकम्मल करे। लिहाजा ये अहमियत है पहले सामने की सब को मुकम्मल करे उसके बाद क्या करे पीछे की सब को क्या करते जाए मुकम्मल करता चला जाए। जब मर्दों की सफे मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद बच्चों की सफे मर्दों की सफे जब मुकम्मल हो जाए बाकी मर्दों की तो उसके बाद बच्चों की सफे बच्चों की बात निकली है तो मैं आपको चंद जरूरी बातें आपके सामने बयान करता चलूंगा कि जो है ना बच्चों के मामले में जहां तक बात है कि हमारे पास छोटे 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 बच्चों को क्या करते हैं मस्जिद में ला देते हैं या तो वो तहारत से फारिग हो जाते हैं मस्जिद गंदी कर देते हैं या वो बाहर गंदगी लेकर पैरों को वैसे ही मस्जिद में क्या करते हैं आ जाते हैं या जो है अगर नमाज शुरू होती है तो वालिद को सताते रहते हैं आवाज करते रहते हैं जिससे वालिद की नमाज भी खराब दूसरों की नमाज में भी क्या है खलल पैदा हो जाता है। तो लिहाजा सबसे पहली एक गलत फहमी मैं आपको दूर करता चलूं गलत मसला लोगों के जहन में बैठ गया है कि अगर किसी सब में बच्चा आकर खड़ा हो जाता है तो दूसरों की नमाज नहीं टूटती है बात है बहुत से लोग नमाज फासिल हो जाती है बच्चा आकर खड़ा सब में ठहर गया तो नमाज टूट जाती है नहीं टूटती नमाज। हाँ अलबत्ता वो बच्चा गड़बड़ करता है वो रोता है बलाता है गड़बड़ करता है हरकत करता है खींचता है ताकता है तो फिर उस सूरत में खलल नमाज में जरूर क्या होता है पैदा होता है नमाज का खुशू और खुशू क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या है दो मामला है जब बच्चे नमाज की तब जरूरत नहीं रहती शरीयत उस वक्त मस्जिद को लाने की पाबंदी नहीं करती शरीयत नहीं कहती कि मस्जिद को लाओ मस्जिद को लाने की उम्र नहीं होती लेकिन उस वक्त मस्जिद को लाते हैं जब लाने की उम्र होती है उस वक्त नहीं लाते सोते रहता जब लाने की उम्र है वो क्या है मालूम है नहीं लाता जब नहीं लाने की उम्र है मस्जिद को लाता है। अब कुछ लोग बोले तो वहां हो रहा ना वो मुल्क में हो रहा ना ये मुल्क में हो रहा ना क्या हो रहा ना वहां हो रहा ना हमारे को मुल्क नहीं देखना है तहजीब नहीं देखना है सहाफत देखना है शरीयत क्या होती है वो देखना है शरीयत क्या होती है। तो शरीयत क्या होती है पहले बच्चों को लाया किस उम्र में लाया मस्जिद को हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इलाही है बहु औलादकुम बहु अबनाकुम सब्अ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा बहु औलादकुम अशर सिनीन और कमा कहा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी औलाद जब सात साल की उम्र को पहुंचो तो उनको नमाज का हुक्म दो नमाज का क्या करो हुक्म दो और जब औलाद दस साल की हो जाओ तो उन्हें हल्का सा थप्पा मारो नमाज ना पढ़ने में ताकि जब वो बड़े हो जाए तो नमाज के आदि हो जाए। तो इन अहादीस की रोशनी में फुकहा इकराम कहते हैं कि सात साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाने की इजाजत ही नहीं है सात साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाने की ही इजाजत नहीं है। मस्जिद में एक बच्चे को लाने की उम्र क्या है वो सात साल है वो भी सात साल के बच्चे को उस वक्त आप मस्जिद में ला सकते हैं जब वो मस्जिद गंदी ना करता हो और मस्जिद का एहतराम महफूज रखता हो खामोश बैठता हो या गड़बड़
ना करता हूँ। बच्चे होते हैं वैसे खामोश रहते हैं, बैठ जाते हैं, वो तबीयत का एक असर होता है, बच्चों का मिजाज भी होता है। अगर 7 साल का बच्चा भी मस्जिद को गंदा करता है या बाहर से कीचड़ के पैर लेकर मस्जिद में आ जाता है, पैसा वगैरह कर देता है, तो गड़बड़ करता है मस्जिद में, तो एहतराम बाकी नहीं रखता, तो 7 साल के बच्चों को भी मस्जिद में लाने की इजाजत नहीं। हमारे पास क्या करते हैं, छोटे बच्चियों को भी लाते हैं, बच्चों को भी लाते हैं। जो हम छोटे बच्चों को लाते हैं, छोटा रहता उसको पीछे की सबसे खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं चला जाएगा आपको रोना शुरू कर देगा, तो लाजमी तौर पर क्या करते हैं, बाजू में खड़ा कर देते हैं। बाजू में खड़ा करके अब खुद की नमाज भी हमारा, दूसरों की नमाज भी हासिल कर, उसकी भी नमाज नहीं, बच्चे की भी, खुद की भी नहीं, दूसरों की भी। अगर कुछ बोलने के लिए जाओ तो बाज लोग जिहालत पर आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े तक बात क्या है पहुंच जाती है। याद रखिए, अहम ये बात जहन में अच्छी तरह रख लीजिए, जो आदमी शरीयत का मसला बतलाने पर जिसके दिल में इंतखाबी जज्बात पैदा हो जाते हैं, इंतखाबी जज्बात पैदा हो जाते हैं, जो जिहालत करने लगता है, जो पलट का जवाब देने लगता है, जो गुस्से में आ जाता है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। क्योंकि मुसलमान का नाम ही वो है जो अल्लाह उसके रसूल और शरीयत का ताबे और फरमाबरदार, मुसलमान के मीनिंग सी होती है और फरमाबरदार क्या है। तो शरीयत का हुक्म बता दिया जाए तो सर झुक जाए, दिल में इताअत का जज्बा पैदा हो, यह हकीकत में मुसलमान होने की अलामत। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम आप कर रहे हो और रोका जाए तो फिर आप मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है, बल्कि अखलमंद कहलाने के भी हकदार नहीं है। मैं ये कहता हूं क्यों, इसलिए कि वो आपकी अच्छाई की बात कर रहा है और आप उसे गुस्से में आ रहे हैं, आपको मस्जिद की बेअदबी के बवाल से रोक रहा है और आप उसे गुस्से में आ रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ अच्छाई करें और वो आपको गाली गलौज करे, जिहालत करे, तो आप उसको क्या कहेंगे, दुनिया नादान कहेगी, जाहिल कहेगी, अल्लड़ कहेगी, बेवकूफ कहेगी। तो लिहाजा शरीयत का मसला बतलाने पर हमारे साथ हमारा सर शरीयत के सामने झुक जाना चाहिए और दिल में इताअत का जज्बा पैदा होना चाहिए, यह हकीकत में मुसलमानों ने किया, वरना मुसलमान कहलाने के हम हकदार नहीं। मैं काफिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपना नाम मुसलमान रहने का आपने अदा नहीं, क्योंकि वही चार है बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तो नमाज के रमजान का चांद देखे शुरू, रमजान का चांद देखकर हमारे में खत्म, ईद का चांद देखकर खत्म। तो लिहाजा नमाज के बाद में क्या था, रमजान में ठीक है सफेद भरी हुई थी, आप कोने में रह गए, सब वहां तक आ गई, मसला खत्म हो गया, लेकिन रमजान के बाद आमतौर पर सफेद उतना नहीं भरती, तो वो जो साहब कोने में कुर्सी डालकर बैठे हुए थे वो कोने में के कोने में ही रह जाते हैं, सब आधी हो जाती, बिल्कुल पूरी जगह खाली होती, एक नहीं 10 शैतानों को, 8 शैतानों को, 5 शैतानों को रहने का होता है। आप बताइए ये सुरूस है क्या हदीस की सुरूस। तो लिहाजा उन हजरात को चाहिए कि वो अपनी जब सफों के दरमियान जगह देखें और पुर होने की उम्मीद नहीं है तो क्या करें, वो सफ में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, ये जगह ऐसे वही ना बैठे जो क्या है मालूम है रजिस्ट्री करा लिया और जैसे रजिस्टर्ड जगह है वैसा ना बैठे, क्योंकि मस्जिद में कोई जगह मुख्तस करना भी आदाब मस्जिद के खिलाफ। तो मैंने यहाँ अजीत आने पहुंचा, तो इस तरह तवज्जो रखिए, मैं उन हजरात को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो मस्जिदों में कुर्सियां कोने में डालकर बैठते हैं, सब वहां तक मुकम्मल हो रही है, ठीक है आप वहीं पर बैठिए, सहूलत है, जो भी है अच्छा है दूसरों के लिए सब, लेकिन अगर सब वहां तक मुकम्मल नहीं हो रही तो फिर आपको चाहिए कि सब में आकर क्या हो जाए, शामिल हो जाए, मिल जाए।